आज तो बड़ी एनर्जी वाला क्राउड है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टॉक टॉक शो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, मजे में। मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगा। ख्वातीनों जरा, उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक पॉलिटिशियन है। अब मेरे लिए तालियां बजाएं। वो इसलिए क्योंकि आज पहली बार हम किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने जा रहे हैं इस शो में हमारे, एंड वी वेरी प्लीज्ड कि उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। ये कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है भाई, क्योंकि पॉलिटिशियंस के बारे में ज़्यादातर तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और जो पॉलिटिशियंस की जो पर्सनल ज़िंदगी होती है वो हमें उस में एक्सेस ढूंढनी पड़ती है भाई, कि ये असल ज़िंदगी में क्या है, कैसे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है, और मुझे उनकी बात बहुत पसंद है कि जैसे ये अपनी पर्सनल ज़िंदगी में है वैसी ही ये अपनी पब्लिक लाइफ में अपने आप को कैरी करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बात एज सच ढकी छुपी है। आप इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस हैं। अक्सर अपनी लुक्स के हवाले से, अपने फैशन के हवाले से भी ख़बरों की जीनत बनती रहती हैं। तो बुलाने जा रहा हूँ, आज आपने तालियाँ ज़रा ज़ोर से बजानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस इनका रिच हों, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस हमारे शो में आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गिव इट अप फॉर डॉक्टर शर्मिला फारूकी। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एंड वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच शर्मिला जी। शर्मिला जी कहूँ, डॉक्टर शर्मिला कहूँ, डॉक्टर शर्मिला तो नहीं, मतलब लुक्स टू फॉर्मल। हाँ, इट्स टू फॉर्मल, एंड फील्स लाइक मैं किसी एल्डरली खातून से बात कर रहा हूँ। आई नो, शर्मिला इज फाइन, दैट्स फाइन। Thank you, Sharmila, for being on our show. Taliyan, bhai. We're so happy that you're here, because you're the first politician I'm interviewing on camera. I know, मैं जब मुझे बुलाया गया शो के लिए तो मैंने कहा मैं ज़रा गूगल करके देखूँ कौन कौन से पॉलिटिशियंस गए, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप मुझसे क्या क्या बातें कर सकते हैं और कितना आप मुझे तंग कर सकते हैं। There was no politician. तो आपको क्या लगता है प्रेशर किसके ऊपर है, आपके ऊपर या मेरे ऊपर? आपके ऊपर, मेरे ऊपर। Tell me something, you never wanted to be a politician, is that right? It was never planned. Or jo aapki pehli appointment thi wo bhi, apparently you were on a flight and when you landed somewhere you were told that you'd been appointed. Yes, so we had a meeting with President Zardari sahab, my father and I, and there unhone kaha ki you know I would like to, you know, bring her into politics. उससे पहले जब मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मिली थी तो अपनी वालदा के साथ। Who told you that you must write? Yeah, she's the one. She's the one when she was in exile also, and I was very young. So she said ke you should start writing. So and write in Urdu. तो अब हम कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे तो हमें इतना ज़्यादा आसान उर्दू ही आती थी, तो मैं पहले इंग्लिश में लिखती थी और अखबार वाले उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके वो छापते थे। देन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड फलां, फिर करते 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 क्योंकि ज़बान तो उर्दू ही है, फिर उसमें लिखना आ गया। तो बहुत साल हो गए। जब आपकी मोहतरमा से मुलाकात हुई पहली, उन्होंने क्या आपके अंदर देखा ऐसा कि उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आपको लिखना चाहिए? द फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी दैट यू आर अ फाइटर। अच्छा, हाँ, she said you're a fighter and और उसकी कोई कुछ I need someone like you in the party. So तो and you know she was a वो एक ऐसी खातून थी जो दूसरी औरतों को, लड़कियों को बड़ा सपोर्ट करती थी। मोहतरमा के लिए तालियां। Yeah, she was someone who wanted women empowerment, who actually wanted to see women in politics, women in business, women in a professional field. So bahut support karti thi. So I was very young, I was, you know, in college, and I said no, my mother said nahi, isko ye to pad rahi hai. So but phir wahan se silsila shuru hua. Aur mohtarma ki wafat ke baad jab aapki ye meeting hui Zardari sahab ke sath, and what do you think now if you look back, is Zardari sahab ne aapke andar aisi kya ability dekhi ki unhone aapko mid flight appoint kar diya? I know, jab meeting karke as advisor to the chief minister, yes. So again us waqt bhi you know my father said ki nahi, she's not into politics, kuch nahi pata politics ke bare mein. So he said acha, and you know Zardari sahab doesn't argue, or he doesn't, he just knows what he wants to do. So by the time we landed, my father was getting congratulatory messages, you know, mere appointment ho chuki thi, and here I am.
Was that that simple, really? Yeah, it was that simple. But since आपका कोई inclination as such उस तरह से plan नहीं था politician बनने का, तो when you were thrown into the deep waters, आपने कैसे सीखी सियासत? I, you know, Hassan, to be very honest with you, मैंने बिल्कुल नहीं सीखी सियासत. I was thrown literally, like जैसे कहते हैं ना, parachuted. I parachuted into politics. अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि पैराशूट से आई है, तो एंड देन इट वाज ऑन मी कि वेदर आई हैड टू सर्वाइव. मैंने इसको, बहुत से लोग आए चले गए एक स्टिंट करके, बट पॉलिटिक्स वाज समथिंग दैट आई रियली इन्जॉयड. आई थॉट दिस इज़ वेयर आई बिलोंग. और जब मैं कैबिनेट में आई तो सारे मेरे वालिद साहब की उम्र के, उनके उनके दोस्त वगैरह सारे, सो आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट यू नो कैबिनेट मेम्बर्स. तो एवरीबडी थॉट के यू नो शी इज हियर, सिफारशी आ गई है और एक टर्म आज है, कल तो इसने वैसे नहीं कर सकना. शुरू शुरू में पीपल डिड नॉट टेक मी सीरियसली, सो बट देन आई वर्कड. और मैंने इसलिए वर्क नहीं किया कि मैं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ या मैं एक जगह बनाना चाहती थी. आई जस्ट इंस्टिंक्टिवली टुक टू पॉलिटिक्स, helping people, being where I was supposed to be, you know. Bum dhamaka hota tha, main pahunch jati thi hospital. It was just something that I wanted to do. And that is how it all started. Achha, hum jab, because yahan pe bahut sari actresses aati hain aur unse baat hoti hai, to the challenges women faced in almost every field. Yes. And not just in Pakistan, but of course, internationally as well, globally. Ab bahar ke mulkon mein thoda sa behtar ho gaya, but Pakistan mein abhi bhi hum kuch peeche hain. As a female politician, as a female worker of a political party, किस तरह के challenges आपने initially face किए, किस तरह के comments, मैं चाहूँगा अगर आपको आप share करना चाहें तो exactly क्या सुना आपने, किस तरह के तनकीद का निशाना बनाया जाता है ख्वातीन को, ताकि अगर कोई और लड़कियाँ politics में आना चाहती हैं वो encouragement लें आपसे? देखिए जी, किसी भी शोबे में जब कोई औरत आती है तो पहले तो उसको सीरियसली लिया नहीं जाता. ये कुछ अरसे के लिए है, शादी हो जाएगी, चली जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं कर सकेगी. फिर जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं या जो इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग चीज़ें होती हैं, उसमें इतना इंक्लूड नहीं किया जाता. फिर ये कहा जाता है कि यू नो, अच्छा अच्छा आप बैठ जाएँ, इनको बात करने दें, यू नो दोस काइंड, दिस इज स्मॉल जेस्चर्स बट फॉर अस इट मीन्स अ लॉट. या कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करनी है, किसी इंपॉर्टेंट इशू पर बात करनी है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं 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 ये करेंगे आपने. Even today, I'll tell you, Hassan, कि जब कभी बात होती है ना असम्बली के अंदर कि जी सिर्फ चार लोग बात करेंगे, तो तमाम जमातों के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, आदमी हैं, वो कहते बस ये बात करेंगे. हम बात करना भी चाहें तो कहते नहीं, अभी टाइम नहीं है. सो इवन नाउ आई फील दैट वी हैव टू मेक अ प्रेजेंस फेल्ट. अगर बात करनी है तो उठ के खड़े होकर मुझे भी लिटरली आफ्टर दीज 11 ईयर्स इन पॉलिटिक्स मुझे भी बोलना पड़ता है, मुझे बात करनी है. वरना खुद से मौका. एंड आई एम वेरी वोकल, मैं हर चीज़ में बड़ी वोकल हूँ. मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं कह देती हूँ, कोई चीज़ बुरी लगती है तो कह देती हूँ. अगर किसी चीज़ से मैं आई डोंट बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो आई विल नॉट डू इट. इवन इफ आई एम टोल्ड टू डू इट, मैं नहीं करूँगी. मुझे एक बात बताएं, यू थिंक मीडिया हैज गॉट अ रोल टू प्ले इन दिस एज वेल, ऑफ इन यू नो इन द डिपिक्शन ऑफ फीमेल पॉलिटिशियंस, इन द सेंस के अगर फीमेल पॉलिटिशियंस की बात करें तो ज्यादा फोकस ये होता है कि यार ओ देखें इन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, डिजाइनर है. इनके पास ये वाला बैग जी, है जी, जी. उन्होंने मरियम नवाज ने अगर बर्किन उठाया हुआ तो उनके आगे yes. आपके चप्पलों पे आ जाएंगे, जूतों पे आ जाएंगे. यू थिंक द मीडिया ऑल्सो ट्रीट्स फीमेल पॉलिटिशियंस अनफेयरली इन दिस रिगार्ड? ओ यस, आई फील के सबसे ज्यादा जो हमारे कमेंट्स या हमारी जो हेडलाइंस बनती हैं बिकॉज ऑफ आवर क्लोथ्स एंड आवर बैग्स एंड आवर watches and our accessories, chaple, yeah, everything, yeah, makeup, yeah, it's like, and I feel very demeaned when, you know, like, assembly mein main, bahut dafa mere saath aise hua ki maine badi dhuandhar takreerein kari hain assembly ke andar, lekin headline bani hai jab main chapstick laga rahi hoti hun. So, you know, and I say ki maine kuch acche kaam bhi kiye hain zindagi mein, maine kuch legislation bhi ki hai, I've done some good work, I've made the autism center, I've brought in the Sin Child Marriages Act, so you know, talk about that. You also proposed a one dish bill, yes, pass I did. पास नहीं हुआ. एंड आई नो फॉर इससे पहले कि लोग ये सोचें भाई आपने वन डिश बिल तो पास करा दिया, आपकी अपनी शादी पे कितनी डिशें थी? एक ही डिश थी आपकी. मेरे शादी पे एक ही डिश थी, कोरमा और बिरयानी. कोरमा, पुलाव और कोरमा. पुलाव और कोरमा भाई.
टेल मी समथिंग, कभी कभी जब जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि मीडिया क्योंकि इतना हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें इन फीमेल पॉलिटिशियन के पास ये वाला बैग है और ये घड़ी उन्होंने पहनी है, तो कभी आपने सोचा कि टोन डाउन कर लें आप अपने आप को ही कि भाई इस पे से तो फोकस हट नहीं रहा, माइट इज वेल ठीक है मैं अपना बर्बरी का या वो वाला नहीं पहनती आज कुछ? नहीं नहीं नहीं, नो दिस इज व्हाट आई एम. यू आर हु यू आर, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. हमारी घर बैठी जो लड़कियां हैं, माएं बहनें हैं, बच्ची हैं, उनको ये इस बात का पता होना चाहिए. यू मस्ट एम्ब्रेस योरसेल्फ. छुपाने की या इसमें इसमें शर्म की क्या बात है? एवरी वुमन लाइक्स टू ड्रेस अप. Every woman wants to look good. Every woman wants to wear good clothes. So it's fine. A politician nahi pehen sakti. Why not? Ek, I think, jo segment hai society ka, wo ye kehta hai, theek hai, aap afford kar sakte hain, pehen sakte hain. But jahan pe politicians ke upar ye ek added responsibility add ho jati hai ki because itni deprivation hai society mein, itni ghurbat hai, aur log ye expect aur hope kar rahe hote hain ki politicians uske liye kaam karenge. तो जब वो पॉलिटिशियंस को एक सर्टन हुलिया में देखते हैं तो शायद उनको लगता है कि ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है या तजाद है. हसन, दो चीज़ें हैं ना, या तो फिर आप बिल्कुल ही छोड़ दें, फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना करें, फिर ये आके ड्रामा असेंबली में ना करें कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, फिर पर्सनल लाइफ में भी छोड़ देना, रहें उन लोगों की तरह. वी स्ट्रांगली फील दैट इस वक्त जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के हालात हैं वो एक्सट्रीम पे हैं. इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. लेकिन आप अपने हलाल की कमाई से आप जिस तरह चाहें खर्च करें. हाँ, हराम की कमाई है वो अलग चीज़ है कि आपने कहीं से गलत कमा के आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और एक ये आवाम का पैसा था जो आप उन पे नहीं लगा रहे लेकिन अपनी जेब में डाल रहे हैं, वो गलत है. अच्छा, टेल मी समथिंग, यू ऑब्वियसली नो अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, यू वर्क विद ऑल द पॉलिटिशियंस, तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ आप काम करती हैं. मुझे ये बताएं, डू पॉलिटिशियंस हैव अ लाइटर साइड टू देमसेल्व्स? Oh, yes, do they like to have fun? Do they like to go out, watch movies, oh, travel? Yes. क्या करते हैं? क्या शौक क्या होते हैं? Some of them do. Some of them do. ड्रामे देखते हैं? नहीं देखते. ड्रामे देखते हैं. मैंने तो पूरी असेंबली को ड्रामों पे लगा दिया था. अच्छा, सबको लगा दिया था. कौन से ड्रामों को? बताएं ना. सारे तेरे बिन, तो इश्क मुर्शिद, तो हर किसी पे लगा दिया था. So every day I would come and I said, you know, did you see that episode? और वो देखा और उसमें वो ये देखा, भाज को देखा और किसी ने कहा अच्छा ये कौन सा ड्रामा? अच्छा वाकई तुम लोगों ने देखा? तो आप ये कह रही हैं कि जब तेरे बिन वाज ऑन एयर पूरी असेंबली तेरे बिन देख रही थी? पूरी असेंबली. भाई वाह यार, तेरे बिन के लिए. तो मुझे ये बताएं, उस वक्त बड़ा एक चल रहा था मीरब मुर्तसिम का, वहाज और यमुना के कैरेक्टर्स का, तो आप टीम मुर्तसिम थी, टीम मीरब थी? मैं तो टीम मुर्तसिम थी. टीम मुर्तसिम थी? हां. यस. व्हाई, इफ आई मे आस्क? आई थिंक ही वाज द आइडियल हस्बैंड, सच अ सॉफ्ट स्पोकन वन, यू नो, वाइफ लाइक मीरब, जो बहुत ही यू नो शी वॉज वाइवेशियस एंड बदतमीज एंड एवरीथिंग. Everybody likes, you know, soft-spoken and nice husbands, you know. And what's your take on what happened towards the end, 46? Total disaster. Total disaster. Kya were you disappointed in Murtazim? I was disappointed in the script. I was disappointed in the production. I said, ye kya ho gaya? Usko agar khatam kar dete na, 27vi kiss ke upar, तो हमारी सबकी जिंदगी में बड़ा सुकून होता. हम कहते क्या ड्रामा था. अरे मुझे लग रहा है, मुझे तो अपना रिव्यू पार्टनर एक और मिल गया है कि अगर कभी ड्रामे रिव्यू करने में तो आपकी कमाल बात है. सो आई मेट वहाज ड्यूरिंग दैट टाइम. हाँ, सो यू नो ही टोल्ड मी कि हमने तो 27 एपिसोड्स किए थे, उसके बाद ये मशहूर हो गया तो हमने और बना लिए. सो यू नो 27 पे अगर खत्म हो जाते, 28 पे 30 कर लेते, वो बीच में जो एक जो वो ट्विस्ट निकाला ना, अननेसेसरी ट्विस्ट. तो वहाज से आप मिले, यमुना से हुई मुलाकात आपकी? नहीं, यमुना से नहीं. यमुना से अभी आपकी मुलाकात? बट आर यू फ्रेंड्स विद पीपल? ओह यस आई एम. फ्रॉम पीपल? या या आई एम. हु आर यू सम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स? और आई मीन दे नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड. माय हुमैमा मलिक इज अ वेरी नाइस फ्रेंड. शशमा गिल इज अ वेरी नाइस फ्रेंड. आमना मलिक इज, आई लव माया अली, शी इज रियली नाइस, यू नो. आई मीट ऑल ऑफ देम. ओके, एंड मेल एक्टर्स में कौन पसंद है आपको, जिनका काम आप देखती हैं ड्रामों में, सराहती हैं उनके काम को? आई थिंक दे ऑल गुड. दे आर ऑल गुड. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर रियली नाइस. फिर भी दो तीन नाम तो लेना. आई मीन डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर. आई मीन वहाज वाज एक्सेप्शनल इन तेरे बिन, एंड यू नो यू मेंशनड इश्क मुर्शिद अभी, बिलाल अब्बास खान. इश्क मुर्शिद अभी आपने मेंशन किया, बहुत अच्छा है. आई मीन बिलाल इज डूइंग अ फैबुलस जॉब, ही इज अ वेरी इंटेंस एक्टर. इमरान अशरफ इज अ वेरी गुड एक्टर. आई एम वॉचिंग हिज करंट ड्रामा. अभी एक फिरोज खान का ड्रामा शुरू हुआ है, मैं वो देख रही हूँ. आई थिंक दे ऑल वेरी गुड. मिकाइल जुल्फकार, वो जो अभी ड्रामा उसका चल रहा जैसे है, आपकी जैसे आपकी मर्जी. अरे यार, आप तो सारे ड्रामे देखती हैं भाई, आपको तो सब क्या पता है. मैं कोई एपिसोड देखे बगैर रात को सोती नहीं हूँ. आजकल आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है?
मेरा आज का जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी. उसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको? वो तो आई लाइक द फैक्ट दैट यू नो द कंटेंट इज सो गुड, द टॉक्सिक हस्बैंड एंड हाउ यू नो दैट द गर्ल इज पुटिंग अप विद द हस्बैंड एंड किस तरीके से उसने मैनिपुलेट करके उसकी नौकरी छुड़वाई है, किस तरीके से उसको घर बिठाया. आई थिंक द कंटेंट इज सो गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. ये यहां पे हमारा एक लंबी, आई लाइक सना जावेद, शी इज वेरी नाइस एक्टर टू, एंड सारी अच्छी हैं यू नो. कंटेंट पे मेरी और आपकी थोड़ी डिसएग्रीमेंट हो सकती है और हम बैठ के इसके बारे में डिफरेंट देखिए. हाँ होगी और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा. हाँ, वरना मजा. लेकिन ये कि अलग अलग ड्रामे, मेरा माय हस्बैंड सेज ये तुम रोज ड्रामे देखती हो तो सारे एक जैसे होते. मैंने कहा नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते, ये सारे अलग हैं, सबकी स्टोरी लाइन अलग है. अच्छा, अब मेरा आपका डिसएग्रीमेंट मुझे लगता है शुरू हो जाएगा यहाँ पे, बट वी विल होल्ड ऑन. सारे अलग हैं, वी विल होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज शर्मिला हमारे पास ऑडियंस मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इजाजत दें लोग आपसे बात करना चाहते हैं. जी आप आए, प्लीज आप यहाँ आए, मैं तब तक शर्मिला के पास बैठता हूँ. शी इज गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन. जी अच्छा अच्छा ओके जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आपका नाम क्या है पहले? सना. सना, सना. मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन तो हैं ही, लेकिन आपने एज एन एक्ट्रेस भी काम किया हुआ है, तो फिर आपने आगे परसू क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल है भाई, गुड सवाल, थैंक यू. अच्छा, और आपने काम भी किया था अब्दुल्ला कादवानी साहब के साथ, जो के प्रोड्यूसर हैं तेरे बिन के. पता नहीं उस वक्त तेरे बिन क्यों नहीं बना, ये पता नहीं अब मैंने वो क्यों नहीं किया. और मुझे बहुत शौक था, मैं जब स्कूल में थी कॉन्वेंट ऑफ जिजर मैरी, तो वहाँ पर थिएट्रिक्स भी कराते थे, वहाँ पर मिलाद भी होता था, वहाँ पर क्रिसमस भी होती थी, हर चीज़ होती थी. तो बचपन से आदत होती ना, वो म्यूज़िक भी सिखाते थे, गाना भी सिखाते थे, सो आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एक्टिंग. तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो एक हमने ड्रामा किया था, इसमें मैं बेनज़ीर भुट्टो बनी थी. सो मुझे शौक था, तो एक दिन बैठे बैठे मैंने अपने पापा को कहा, मैंने कहा पापा आई वांट टू एक्ट. पापा ने कहा व्हाट? आई सेड आई वांट टू एक्ट. तो माय मदर सेड नो नो नो, यू आर इन स्कूल, व्हाट, नो एक्टिंग, नो नो नो. उस ज़माने में इतने लोग एक्टिंग में नहीं आते थे ना, तो बट देन जिस घर में मैं रहती थी उसके बिल्कुल सामने PTV कराची था, टीवी बिल्कुल सामने, माय मदर स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. तो मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, उनके दोस्त थे हैदर इमाम रिजवी साहब. अच्छा अच्छा. तो उस ज़माने में हैदर इमाम रिजवी और अब्दुल्ला कादवानी एक ड्रामा बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी स्क्रिप्ट आती है, अगले दिन स्क्रिप्ट आ गई. सो आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू द डॉटर्स पार्ट उस ड्रामे में, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बीवी का रोल करें. बीवी वॉज ऑल्सो यंग बीवी. एंड बाय द वे आई हैव सीन दैट वो वाला आपका सीक्वेंस जो आप किसी आई थिंक क्लिफ्टन में बोर्ड बेसन पे किसी दुकान में है, एंड अब्दुल्ला कम्स और आपकी वहाँ पे एक इंटरेक्शन होती है, आई थिंक ही इज चेजिंग यू और कोई आप नाराज हैं. ही वाज योर फियांसे. ही वाज माय फियांसे इन दैट. एंड शी वाज एक्चुअली प्रीटी गुड. इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. एंड मैं कह रहा था यार ये तो बन सकती नहीं अब एक्टर. फर्स्ट एंड लास्ट ड्रामा, फर्स्ट एंड लास्ट. बट क्यों परसू क्यों नहीं किया फिर आपने? पढ़ना था ना, दैट वाज आई मीन आई हैड टू स्टडी, दिस वाज नॉट माय करियर. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एक और क्वेश्चन लेंगे अभी. हाँ जी आ जाएं, आप भी आए बैठे हैं, बताएं क्या नाम है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. मेरा नाम शहजाद राजा है. जी शहजाद राजा, मुझे ये सवाल पूछना था कि हम आम लोगों की तरह आपके घर में भी गैस बिजली लिमिटेड आती जाती है? हमारे घर में तो मुझे ये पता है इनके घर में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, इनको टैंकर डलवाने पड़ते हैं 6 साल. हमारे घर में गैस आती नहीं है, हम सिलेंडर पे हैं. सिलेंडर पे गैस नहीं आती. और ये बिजली मतलब पूरा दिन होती है? बिजली आ जाती क्योंकि सोलर सिस्टम लगा ये इलेक्ट्रिक से नहीं आती. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा वैसे अब वन कुड आस्क के जी शर्मिला फारूकी हरसेल्फ पॉलिटिशियंस पीपल्स पार्टी से इतना गहरा ताल्लुक और पीपल्स पार्टी ने बड़ा अरसा हुकूमत की है, तो यार ये ज़रूरियात अगर उनके पास नहीं है तो आम आवाम के पास कैसे होंगे? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? हसन बिजली है नहीं ना, पूरे मुल्क में शॉर्टेज है. इट्स नॉट के पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने बिजली पैदा करनी है, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो चुके हैं. सो दैट इज़ अ मेजर इशू. आई रिमेंबर दिस मॉर्निंग आई वॉज डूइंग मॉर्निंग शो विद अ चैनल, उसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा जी पॉपुलेशन ग्रोथ आबादी बढ़े फला, जब आबादी बढ़ती है तो एक सर्ज आती है, ऑन डिमांड आती है पानी पे, खाने पे, हाउसिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर के ऊपर. सो जब भी हम कहते हैं ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो आपकी आबादी है वो जिस तरीके से बढ़ रही है
उस तरीके से आपकी वसाइल नहीं है आपके एक पास। एक सवाल ये भी शर्मिला, फिर मेरे जहन में आता है, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉट टू सिंगल आउट एनी पर्टिकुलर वन, सबको पता था आबादी बढ़नी है और मेजॉरिटी हम वही देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस आज रूलिंग इलीट में हैं, दे बीन पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फॉर डेकेड्स नाउ। कभी उन्होंने प्लान नहीं किया भाई कि बढ़ेगी आबादी, बढ़ेगी रिसोर्सेज डिप्लीट। प्लान करना ये चाहिए था कि आप पॉपुलेशन को किस तरह मैनेज करें, आपको कंटेन करना चाहिए। देखिए बांग्लादेश के अंदर 1970 के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था दैट वाज 6.3%। आज उन्होंने कंटेन करके दे हैड अ नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, उसके तहत उन्होंने काम किया। आज उनकी पॉपुलेशन इज 2.1% ग्रोथ। सो उन्होंने कंटेन किया ना। दुनिया हमारी कितनी है अभी? हमारी इज 2.55%। अभी हमारा जो करंट सेंसस हुआ है अगस्त में, उसके तहत 2.55% है। लेकिन मसला ये है कि हमने उस तरीके से तरक्की नहीं करी है अपने मुल्क के अंदर। हमारे हैं वसाइल वो डिप्लीट हो चुके हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। कराची की आबादी आप देखें, कराची में रहने की जगह नहीं है। कंट्री इज़ वाटर स्ट्रैप्ड, फूड इनसिक्योरिटी के, अभी जो सैलाब आए थे हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली सारी फसलें बह गई। यू नो गंदम की शॉर्टेज है। एक वक्त था कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम गंदम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि आपने खिलाना तो है ना कौम को। मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ नहीं, तो हम इसकी ज्यादा, आपने बहुत सवाल कर लिए मुझसे, डिटेल और डेप्थ में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, हालांकि थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल जर्नलिज्म का, बट दैट दिस इज नॉट दैट शो। अंदर से निकल के आ रहा है। हां, दिस इज नॉट दैट शो। आई थिंक देयर आर मेनी हार्ड लाइन जर्नलिस्ट एंकर्स आउट देयर हु आर डूइंग अ फैब जॉब आस्किंग ऑल दीस क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू ऑन अ डेली बेसिस। हां, ऑन अ डेली बेसिस। तो हम इसको एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा रखते हैं और वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके साथ एक दो और सेगमेंट्स हैं मजे मजे के जो हम करेंगे, एंड आई होप कि आप यहीं पे होंगी ब्रेक के बाद। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन। Welcome back, ladies and gentlemen. शर्मिला, जब आप किसी इस तरह शो पे जाती हैं, वहाँ पे आपको लोग मिलते हैं, फिर वो आपसे नंबर ले लेते होंगे और फिर वो आपको फेवर्स के लिए कॉल करते हैं या नहीं करते? मुझसे कोई नंबर नहीं लेता। नहीं लेते ही नहीं? हुई आप नंबर देती नहीं है या वो डर के मारे पूछते ही नहीं है? नहीं, वो पूछते नहीं है। पूछते ही नहीं है। ओके, चलो मैं शो के बाद, और मैं इस तरह के शो के बहुत कम जाती हूं। कम जाती हैं आप? ठीक है, चले मैं कोशिश करूंगा शो के बाद। देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको अगले शो में बताऊंगा। नहीं नहीं, वैसे माय फोन नंबर हैज नॉट चेंज्ड इन द लास्ट 15 इयर्स। सो मेरा नंबर वही है, इट्स वेरी एक्सेसिबल, हर किसी को मेरा नंबर पता है। हमें कोई रैंडम कोई मैसेज कॉल भी करता है फॉर हेल्प, यू नो, हेल्थ के हवाले से भी, या वी हेल्प। अरे वाह यार, बहुत अच्छी बात है। तो पॉलिटिशियन पे एक राइट भी होता है ना आवाम का, वो कहते हैं हमारा हक है भाई, हम चाहते हैं। हमारा काम है, देखिए हमारा काम है हेल्प करना। अगर कहीं हम हेल्प कर सकते हैं किसी को, कहीं जैसे कल परसों किसी को वेंटिलेटर चाहिए थी छोटी बच्ची के लिए, अच्छा। नहीं मिल रहा था उनको, यू नो, तो यू नो दिस काइंड ऑफ रैंडम पीपल, सो दिस इज आवर जॉब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑन दैट नोट, हमारा जो एक सेगमेंट है उसका नाम है सीधी बात नो बकवास। वहां पे स्क्रीन पे अभी तक हम क्या कर रहे थे? हां, अभी तक हम क्या कर रहे, अभी तक वो सेगमेंट था जिसका नाम था गपशप। तो अच्छा, हम गपशप कर रहे थे। अब हम सीधी बात करेंगे, नो बकवास, व्हिच इज अ सेगमेंट बेस्ड ऑन रिडल्स। हम आपसे कुछ पहेलियां पूछेंगे, आपने वो गैस करनी होंगी। उनमें से कुछ पहेलियां आपकी इंटेलेक्ट को चैलेंज करेंगी और कुछ काफी लेम होंगी। अच्छा, तो दोनों हैं। लेम होंगी तो मुझे करना क्या है इसमें? तो आपको गैस करने के क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली पहेली चलाएं भाई। अच्छा, ओ इधर देखना है। जैसे कि पहला आपका एक आपकी रिडल है, वो कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते? अब आप खुद सोचें कि इसका जवाब किस नौयत का होगा। वो कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते? 5, 4, 3, 2, 1। इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, बहुत है हमारे पास। अगली भाई, वो क्या है जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन जमीन पर नहीं होती? उम्र। उगती कैसे है वो? उगती है ना, बच्चा उगता है ना पहले पेड़। थिंक, थिंक, जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन
You were close. I mean, not really. चलो भाई. You're making me feel better. इंसान की वो क्या चीज है जिसे वो रोजाना इस्तेमाल करता है लेकिन इसे देख नहीं सकता? Very simple. Very simple. Oxygen, हवा. हम देख तो नहीं सकते ना हवा को, लेकिन हम रोज इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये वो जवाब नहीं है. आप सोच नहीं रही, आप सोचे ना थोड़ा. मैं सोचने नहीं आई ना शो पे. ठीक है, मैं दिल नहीं चाह रहा सोचने को. ठीक है, आगे नहीं, चलो. लेकिन मेरी बात सुने, क्या बात है, मतलब हम हवा को भी तो नहीं देख सकते ना? तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं तो have to go by the answer जो यहाँ पे लिखा है. आपने सही जवाब दिया. वैसे you're going by the book, okay. वो क्या है जिसे खाने के बाद इंसान गिर भी सकता है, उसे चोट भी लग सकती है? थप्पड़. हो गया आगे नहीं. ठोक कर, बट थप्पड़ भी हो सकता है. थप्पड़ भी हो सकता है ना. ठीक है, वो क्या चीज़? और हमारे ड्रामों में कहीं ना कहीं, हर ड्रामे में कहीं ना कहीं औरत को थप्पड़ जरूर लगता है. जरूर लगता है. That's also a good conversation. हाँ. जिसपे हमें बात करनी चाहिए. वो क्या चीज है जिस पर कई लोग लाखों खर्च करते हैं लेकिन इसके इस्तेमाल से घबराते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. इस पर लाखों खर्च करते हैं. Five. मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज शर्मिला के एक्सप्रेशन देखें, कितने उनके जबरदस्त एक्सप्रेशन है. अगर वो एक्ट्रेस बन जाती ना तो कमाल हो जाता, कमाल मजा छा जाती. हाँ हाँ, छा जाती. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उस चीज का नाम बताएं जो पैदा होते ही उड़ने लगती है. बाल. पैदा होते ही उगने लगती है. थ्री टू उड़ने लगती है. धुआं. ये ऐसे ट्रिकी सवाल है कि इनका आप कुछ भी जवाब देते हैं, आपका जवाब हमेशा गलत ही होगा. नहीं, आप मुझे, यू मेकिंग मी फील बेटर ना. आप कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी मेहमान हूं तो मुझे अच्छा फील. नहीं. अच्छा चले अगला सवाल. चाइना के लोग पाकिस्तान, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं? शर्मिला, यू बेटर गेट दिस वन नाउ. चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? ये तो आपको आना चाहिए. फौरन ही काउंटडाउन शुरू हो जाती है. शर्मिला के लिए हम बहुत जल्द चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे. आपको लगता है? वाकई में? लोग चाइना इज व्हाट, 2 बिलियन? नहीं, वी आर द, अब इस वक्त वी आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, 2050 में हम 4.3 मिलियन हमारी आबादी होगी, विच इज नॉट फार. बट आपको लगता है सेंसस में हमारी आबादी सही बताई गई? नहीं, कम बताई है. कम बताएगी ना. आपके एस्टिमेट में कितनी होगी? आई थिंक हम कम से कम 30 करोड़ हैं. कम से कम 28 से 30 करोड़. 28 से 30 करोड़. देखें भाई, आप लोग कोई और काम भी करें. कराची की आबादी 1.5 करोड़, 2 करोड़, इस तरह बताइए. कराची की आबादी कितनी होगी? 3.5-4 करोड़. कराची की 3 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा, सपोज. डबल तो है ही. ठीक है शर्मिला जी, क्योंकि आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, हमारे जितने गेस्ट यहाँ पे आते हैं हम उनसे एक सेगमेंट कराते हैं जिसका नाम है नकल के लिए अकल. एंड वी गिव एवरीबडी अ सिचुएशन विच दे हैव टू इनएक्ट, बट यू डोंट हैव टू वरी, आई विल बी पार्ट ऑफ इट. ओके, ठीक है. आपको सिचुएशन बताऊँ आपकी? आप एक डिसग्रंटल्ड कस्टमर हैं के इलेक्ट्रिक की. अच्छा. आपने अपने घर के सारे एसी हटवा दिए हैं, फिर भी आपका बिजली का बिल 80,000 आया. अब आप आइए के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में और आप जो वहाँ पे शख्स बैठा हुआ है उससे आप झगड़ी है कि भाई मैं तो सारा एसी निकाल दी है, मैं इस्तेमाल ही नहीं की बिजली, तो 80,000 बिल कैसे आ गया? ठीक है. अच्छा, रेडी? बिल तो मैंने दिया नहीं ना. नहीं? मैंने देना भी नहीं है. हाँ, वो आपकी मर्जी है. अब आप जैसी कस्टमर है वो आप जाने. और हम क्योंकि के इलेक्ट्रिक के मासूम लोग हैं, हम आपको डील करेंगे. ओके जी, तैयार है जी? एक्शन जी. अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कैसे आप मेरी मदद करेंगे? आपको पता है मेरे बिजली का बिल कितना आया है? नहीं मैम. 80,000 रुपए. 80,000 रुपए. और मेरे घर में एक भी एयर कंडीशन नहीं है.
मैम देखें ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मेरे घर में एक भी एयर कंडीशन नहीं है, फिर भी 80,000 बिजली का बिल आया। मैम आप बिल्कुल, और पंखा भी एक चलता है। मैम आप बिल्कुल, लाइटें भी बहुत कम है। मैम बिल्कुल, मेरा घर सोलर पे है। मैं आप बिल्कुल ठीक है। नहीं आप मेरी बात सुन, आप मेरी बात सुने, मैं बात करने आई हूं, आप क्यों बात कर रहे हैं? जी जी, आपने मेरा मसला हल करना है। जी जी जी, मेरा बिल 80,000 नहीं हो सकता, मैं 80,000 रुपए नहीं दूंगी। मैम हम इसको इन्वेस्टिगेट भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेट करने से पहले आप मेरी बिजली काट देंगे। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके एग्जाम है, उनको पढ़ाई करनी। मैम इफ आई मे, नहीं नहीं आप मुझे कुछ ना बोलें, मैं ये बिल नहीं दूंगी। मैम मुझे, आप मेरा बिल जो है इसको काटें। मैम मुझे इसको सही करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं बात करने आई हूँ, आप मेरी बात सुन, आप मेरा मसला हल करें। मैं आप मेरी बात सुने, आप क्या बोलेंगे? आपके पास बोलने के लिए है क्या? क्या बोलना है? मैं सिर्फ आपको ये भाई, मेरे पास ना एसी है, ना फ्रिज है, ना हम टीवी देखते हैं। मैम एक पंखा है, चार लाइटें हैं, 80,000 बिल कैसे आएगा? मैं कहाँ से बच्चों खिलाऊंगी भाई? मैं खड़े हो गए यार, स्टैंडिंग ओवेशन यार, वाह 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 वाह, कमाल यार, कमाल भाई वाह। आप क्यों नहीं एक्टर बनी भाई? क्यों आप एक्टर नहीं बनी? और ये हो ना सका। ओह ज्यादती हो गई भाई, अंदर अंदर का जो एक्टर है ना वो ड्रामा सिचुएशन कर सकते हैं हम, मुझे लग रहा है। शर्मिला का शौक एक्टिंग का हम इसी में पूरा कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बट आई थिंक हमारे आवर ड्रामास आर सो गुड। आपने नाम भी लिए जिन एक्टर्स, ड्रामे तो अक्सर अच्छे ही होते हैं। एक और ड्रामा मुझे बड़ा पसंद आया था, वो हीरा मानी का था, उसमें एक बहू थी, दूसरी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। दो बोल तो नहीं था? नहीं नहीं, दो बहनें थी, एक ही घर में शादी होती है, इट्स वेरी रियलिस्टिक। दो बहनों की एक ही घर में शादी होती है? अच्छा, प्रॉब्लम मैंने ये, एक अच्छी बहू होती है, एक नॉटी बहू होती है। अच्छा ओके, याद है भाई तुम लोगों में किसी को देखा है? मुझे याद नहीं। अच्छा ड्रामा था, आई हैवंट आई फॉरगॉटन द नेम। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि सवाल दिए इन्होंने तो पूछने पड़ेंगे, पूछने तो पड़ेंगे, डायरेक्टर नाराज हो जाएंगे आप। अच्छा एक और भी एक कॉन्ट्रोवर्सी थी, वो नादिया खान वाली। अपेरेंटली यू'ड फाइल्ड अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट हर, व्हाट केम ऑफ दैट? वो क्या हुआ उसका? इस मुल्क में डेफेमेशन सूट्स कभी चले? मेरा यही आपसे सवाल था। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा शर्मिला, मैं ये सवाल क्योंकि आप लॉयर भी हैं माशाल्लाह, पीएचडी इन लॉ, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक्टर्स ने दूसरे एक्टर्स को डेफेमेशन के नोटिसेस भिजवाए हैं, और अवाम को ये लगता है कि अच्छा पता नहीं ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई, कभी उसका फैसला नहीं होता, कभी नहीं पता चलता कि सही कौन था गलत कौन था। एज अ लॉयर, एज समबडी हु हरसेल्फ हैड फाइल्ड अ डेफेमेशन सूट, How do you address this? और आम आवाम को क्या समझ, कैसे समझाएंगे आप? हमारे इस मुल्क में मुकदमा चलते कहाँ हैं? जो बाकी बेचारी जो आवाम है, किसी का प्रॉपर्टी का इशू है, किसी का डाउरी का इशू है, किसी का कत्ल का केस है, वो ये कहाँ चलते हैं मुकदमात? इनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। Who's to blame for that? जो इधारा जहाँ केस फाइल किया, जिस इधारे ने चलाना है उसको। अब देखिए ना, जो मुकदमा चलने होते हैं वो तो चल जाते हैं, आज लगे कल फैसला हो गया, लेकिन जो लाखों की तादाद में मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं अदालतों में, वो तो नहीं चलते ना। और यहाँ यही तो मसला है इस मुल्क के अंदर कि आप किसी को उठ के कुछ भी कह दें, उनको पता है कि आगे से कोई कोई कानून तो ऐसा सच है नहीं, और अगर है भी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आगे से कुछ होगा तो नहीं। दिस इनकरेजेस देम। हाँ तो आपके केस का क्या हुआ फिर? मैंने एक्चुअली उसको इतना ज़्यादा नहीं विड्रॉ नहीं किया, इतना परस्यू नहीं किया। मेरा एक केस जो मैंने साइबर क्राइम के अंदर जो किया था, तो उसमें अगेन द साइबर क्राइम लॉ इज़ अ वेरी टूथलेस लॉ, बहुत ही वो मतलब दैट रियली नीड्स मेजर अमेंडमेंट्स। उसके तो मेरे बाद सना जावेद ने भी किया था, उस बेचारी का भी कुछ नहीं हुआ। जी जी। सो वाकई अगर कुछ केसेस में हम बर वक्त फैसले ले आए ना, क्योंकि कोई भी उठ के आपके बारे में कुछ भी कह सकता है, प्रेसिडेंट सेट हो कि यार कोई जजा सजा होती है इस मुल्क के अंदर, तो लोग ये करना छोड़ दें। हम उठ के कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, कैरेक्टर असैसिनेट कर दो, कुछ भी कर दो। इसीलिए तो फिर हम आप पॉलिटिशियन से इतनी उम्मीदें लगाते हैं कि आप कुछ ऐसा रास्ता खोलेंगे इदारों को। हम तो हसन कानून बना देते हैं, लेकिन वो कानून बना के जो मुकदमा जिन अदालतों में चलने, फिर उनका भी तो उसमें भी तो फैसला आए ना।
ठीक है। अच्छा, आप ड्रामों के बारे में वैसे तबसरा करती रहती हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लापता पे आपने किया था, इफ यू रिमेंबर, आयजा के कैरेक्टर को लेके, जब उन्होंने दुकानदार के साथ कुछ एक सीन था हरासमेंट का। तो जब आप ड्रामा देख रही होती हैं और दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट आई वाज गेटिंग टू, बहुत सारी चीज़ें हमारे ड्रामों में ऐसी अनफॉर्चुनेटली दिखाई जाती हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आर्केइक हैं, पुराने ज़माने की दकियानूसी किस्म की बातें हैं, स्पेशली ख्वातीन का पोर्ट्रेयल है उसको लेके। तो when you're watching dramas, do you at times feel that you need to be more vocal about these things? Because again, you're in such a position of influence, where politics ko hat ke bhi, I think you're somebody, agar aap drama ko, ke issues ko highlight kare, to shayad log aapki baat ko attention pay kare aur sune. I do, jo mujhe bilkul zyada ja ke chubh jati hai na jo cheezein, phir wo uske bare mein baat main zarur karti hoon. Because I think ke jo drama hote hai na, aur jo unme stars hote hai na, unko hamare पूरी कॉम फॉलो करती है, यू नो, वी हैव स्टार्स, वी हैव आइकन्स, यू नो, हम बड़ा आइडली उनको वर्शिप करते हैं। अगर वो कोई ऐसी चीज़ जो वैसी सोसाइटी में एक टैबू है या गलत हो रही है, देखिए सोशल मीडिया का मिसयूज था उसके अंदर, तो एक ऑलरेडी ख़वातीन के हवाले से इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर कोई स्टार समवन लाइक आयजा खान उसको ऐसा कंटेंट दिया हुआ है वो कर देती है, तो फिर लोग उसको को सीरियसली नहीं लेंगे ना। एंड अगेन, as a star also you have a lot of responsibility. Through your content and your dramas and your acting, aap ek bahut social service ki bhi message de sakte hain jo aapke viewers ko educate karenge. Ek drama tha, mujhe naam yaad nahi aa raha, Sajal Ali ka drama tha, teen betiyan thi, usme baap tha, wo ek unka ghar tha, inheritance ke hawale se kuch kahi क्वेश्चन कही, दैट वाज अ वेरी गुड ड्रामा। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी समझदारी की थी, एक तो ये है कि बेटियों की हवाले से, यू डोंट हैव अ सन, द इनहेरिटेंस फॉर योर डॉटर्स, सेकेंडली द फैक्ट दैट वो जो उसमें उसकी बहन थी बड़ी वाली, मीरा सेठी थी शायद, शी वॉज लिविंग, शी वॉज ट्राइंग टू मेक हर होम इन दैट मैरिज वेयर देयर वाज अ थर्ड वुमन इन्वॉल्व्ड, एंड शी हैड द करेज फ्रॉम दैट वेरी स्मॉल हाउस होल्ड, इवन जो विनीजा का किरदार था, इवन विनीजा का जो, तो आई थिंक उसमें बड़े अच्छे मैसेज, और उसकी एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, यू नो, देयर वाज अ हैप्पी एंडिंग। इट्स सो रिफ्रेशिंग दैट यू नो ऑल दीस ड्रामास, आई एम रियली एंजॉयिंग हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। It feels like, you know, हाँ, लेकिन अगर मैं होती ना उस ड्रामे तो मैं शेरियार मुनव्वर को चूज करती। अच्छा, हाँ, अरे ओ हो, एक और भाई, I was team शेरियार over Bilal's character. Yeah, yeah. And why would that be? Well, Bilal was toxic. Bilal, you thought Bilal was, his character? His character was toxic, of course. Salman, was it? Yeah. I mean, he would, वो बड़ा शक करता था उस पे, और you know, he was like, but I think the other guy was, भाई शर्मिला फारूकी ने स्टेटमेंट दे दी है, अगर वो सज्जल अली की जगह होती तो वो शहरयार मुनव्वर को चूज करती है ओवर बिलाल अब्बास खान इन कुछ अन कहीं। यस, एक और सवाल अगर आपकी इजाजत हो हम ऑडियंस से ले लें। जी भाई, आप पूछेंगे, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मंजम, मेरा नाम सुहेब अहमद है। सुहेब अहमद, हसन भाई मेरा आपसे ये सवाल है। मेरे से सवाल है जी, शर्मिला जी बैठी हैं, उनसे सवाल पूछे, इनसे भी कुछ पूछे। हसन भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आपकी अरेंज मैरिज है जी, सर, तो भाभी ने आप में ऐसे क्या देखा कि शादी के लिए मान गई? दैट्स अ टफ वन। ये तो आपको भाभी से पूछना चाहिए सवाल, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? भाभी को बुलाएंगे हम किसी दिन शो पे, एक कपल्स का हम शो करेंगे, शर्मिला जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी अपने हस्बैंड को लेके आए, मैं भी अपनी वाइफ को ले आऊंगा, फिर जब हम कपल्स का शो करेंगे ना, फिर आप इस सवाल पूछेगा, उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये भी सियासतदान है, घुमा दिया सवाल, जवाब ही दिया। वैसे कैसा ऑडिशन, अच्छा दिया मैंने, है ना, मैं आ सकता हूँ भाई, मैं इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे मुझे शर्मिला जी के शाना बशाना। चल ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा एक ऑडिशन हो गया। अच्छा, थैंक यू। बट अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वैसे ऑनेस्टली, यंग किड्स, गर्ल्स, बॉयज who want to enter politics, वैसे तो वो इतने डरते हैं, वो कहते हैं भाई हम पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पे तो करप्शन इतनी होती है, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, सब बुरा है, हमें नहीं आना। बट अगर कोई पॉलिटिक्स का स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, क्या करे? मेहनत करें। कैसे करें? They should join a party. इसी पार्टी में मेंबरशिप लें, ज्वाइन करें। बट जैसे ड्रामों में होता है, वो कहते हैं भाई हम किस प्रोडक्शन हाउस जाएं, हम ऑडिशन कोई नहीं लेता। हमारी तो
हमारी तो खैर मेंबरशिप ड्राइव शुरू होती तो वी मेक इट वेरी पब्लिक और उसको okay. हाँ तो हमारी तो पहले तो आप मेंबर बने ना ये चूज करें कि आपको जाना किस पार्टी में है. यू शुड रीड द मैनिफेस्टोस. सब बोलेंगे खुद आप एडवाइजर टू सीएम लग गई और शुरू वहां से आपने शुरू किया, बाकियों को आप कह रही हैं हम पार्टी चूज करें, ये क्या बात है. देखिए मैंने भी वो बन के बड़ी मेहनत की, ग्रास रूट लेवल पे मेहनत, दैट्स व्हाई आई हैव सर्वाइव्ड. ठीक है. सो ये नहीं होता कि आते ही आप, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है. अब आप फंस गई, आप देखिए अब आप कम लोगों के साथ होते हैं. तो ठीक है, मैं भी कम से कम इफ यू कैन गेट दैट लकी नथिंग लाइक इट, ऐसे हो जाता है बहुत से. I would also want to become the advisor to chief right minister. Away. Haan, right away. Away. Then I'll work hard. Then you'll work then hard. We'll and then you'll see what then, you can then do. We'll okay, okay, okay. Shortcut ढूंढ रहे हैं आप. Shortcut. और कोई सवाल भाई पूछना चाहते हैं? Director की तरफ से मुझे इशारा आ गया कि break का time हो गया. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना तो हमारे एक बड़ा मजे का सेगमेंट है जहाँ पे हम एक और शख्सियत और पहेलियाँ तो नहीं नहीं वो अच्छा पहेलियाँ नहीं, नहीं है वो हमारी एक मेरी अच्छा अच्छा वही 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 हमारी एक को होस्ट है वो हमें ज्वाइन करेंगी बाजी सुमेरा जी और वो बाजी सब जानती हैं. शी इज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एस्ट्रोसाइकोलॉजिस्ट. बाजी नोज. हां बाजी नोज. ओके बाजी नोज. तो ब्रेक के बाद बाजी को ज्वाइन करने को बुलाएंगे और आपसे मजीद बातों का सिलसिला जारी रहेगा. विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आज तुम लोगों को पागलो शर्मीला शर्मीला बोलना चाहिए ना. उठाए जाओ सारे. ऐसे होता है पॉलिटिशियंस के साथ, ये भी एक चीज मुंसलिक है ना कि उठवा लेते हैं ये. आप किसी ऐसे पॉलिटिशियन को जानती हैं जो उठवा लें किसी को? बहुत सारे बहुत सारे ऐसे. सुमेरा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक थैंक यू. सुमेरा यू आर एन एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट. एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट. और ये आपके सितारों का हाल अहवाल देख के एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी को साइको एनालाइज कर सकती हैं. एंड शी हैज अ क्रिस्टल बॉल. शी डज. या व्हिच शी लीव्स हियर एवरी डे एंड देन कम्स बैक टू इट. यस यस. लेकिन डू वी हैव योर परमिशन? या ऑफ कोर्स. टू डिग डीप इनटू योर पर्सनालिटी. ठीक है कंसेंट मिल गया हमें. सो स्टार्टिंग विद योर पर्सनालिटी आई वुड टॉक के आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अनकन्वेंशनल हम कह सकते हैं, लाइक फ्यूचरिस्टिक है और अनकन्वेंशनल है. लाइक इट्स नॉट वेरी जो आपको समझते नहीं है उनको आप बिल्कुल अलग तरीके से दिखती हैं. लोग आपको अनअप्रोचेबल भी समझते होंगे, लोग स्टोरीज बहुत बनाते होंगे आपके बारे में, लेकिन असल में वो स्टोरीज जो हैं वो ट्रू नहीं होंगी. तो कोई अभी कभी आपको किसी ने आके बताया कि हम आपको ऐसा समझते थे पर आप तो ऐसी हैं? मैं बता दूं अभी मैं भी बता दूं. मुझे लगा था ऑनेस्टली दैट यू वुड बी लाइक रियली अपटाइट एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो ये बात तो सच है, ये बात वाकई में सच है. और लगती आप ऐसी ही हैं कि यू बी रियली लाइक अनअप्रोचेबल एंड इनएक्सेसिबल. लगना भी पड़ता है ना कुछ. बिल्कुल. वेल आई मीन आई एम नॉट extrovert with everyone. I'm a woman, so I have my boundaries. Yes. I mean, I can't get free with everyone. Yes. People yes. take advantage. Yes. Coming to the boundaries, you have learned it after a long time. Like, ये नहीं था कि बचपन से आपकी boundaries थी, but आपके experiences ने आपको अभी समझाया, सिखाया. बचपन में अम्मा ने नहीं सिखाया ना कि boundaries भी कुछ होती हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. Is it a good thing or a bad thing? It's not a good thing. Parents should teach their children that there are boundaries yes. in life with yes. every relationship. Yeah. And because sometimes when people cross those boundaries, it affects your personality and your happiness. आपको नहीं समझ लगती कि क्या सही है क्या गलत है? मैंने तो अब बहुत बाद में जाके सीखा जिंदगी में. अब सीखा है कुछ 2-3 सालों से सीखा है. Yeah. 2-3 सालों में पिछले सीखा आपने? बहुत कुछ सीख लिया. वो बताएं इन्होंने क्या सीखा 2-3 साल उसके ऊपर अभी आते हैं. लेकिन हम वापस जाते हैं. जो पर्सनालिटी इनकी है वो बड़ी प्लेफुल और चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है. समटाइम्स पीपल वांट हर अराउंड बिकॉज शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ लाइक अ चाइल्ड लाइक मैनर. लाइक बच्चों की तरह जैसे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. एक्साइटमेंट भी होती है और एकदम से जो है ना एक फायर आप कह सकते हैं एक फायर वर्क्स की तरह इनकी. हां व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट तेरे बिन अभी you were like oh yeah yeah yeah, 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 yeah. So when it comes to sharing her expression she's very open aur bahut acche tarike se aap apna jo hai expressions ko share karti hain.
लेकिन एक छुपी हुई चीज़ जो इनकी शायद सारे लोगों को नहीं पता वो है इनकी नर्चरिंग नेचर, यानी ममता जो है वो भी इनके अंदर जो है वो सबको पता है माशाल्लाह उनके इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखें तो the way she is with her son, it's not with son only but with other people also, जो इनके मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि वो तो हमें अब देखना पड़ेगा वक्त के साथ, अगर उन्होंने नंबर दे दिया आपको फिर पता चलेगा मदर टेरेसा है। हाँ तो मैं तो मदर टेरेसा की सेंस में कह रहा हूँ, फेवर देख के भाई ठीक ठीक ठीक। Well, she was a great humanitarian, so yes 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 humanitarian again, this is one of the signature जिसमें आप जो है कलेक्टिव उसके बारे में ज्यादा सोचती है, वेलफेयर के बारे में, कि ज्यादा सोसाइटी के बारे में। Well, I feel that being in a position that I am or that we are politicians, mm-hmm. we have access to a lot of things. So agar a lot of people need help in different issues in life, mm-hmm. that is our job to help them. शर्मिला आपके अंदर एक स्टोरी टेलर भी है जो कि चीजों को बड़ा एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में कुछ बताएं। कभी एग्जांपल देखी हमने, आप थी नहीं यहाँ पे सेट में? नहीं, वो ऐसी वैसी स्टोरी टेलर है, वो डायरेक्टर भी है, मुझे तो लगता है एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, मैं स्क्रिप्ट भी लिखने वाली भी है। तालियां भाई इस बात पे। अच्छा, इफ यू एवर टेल अ स्टोरी, जैसे शी सेइंग आप स्टोरी टेलर हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वुड यू लाइक टू टेल? All kinds of stories. Like, but पहली story जो आप बताएंगी क्या? Would it be like a romantic story? Romantic story. और grand होगी वो छोटी story. Romantic story, Cinderella की story. अच्छा, Cinderella की कहानी बताएं। और उसमें बड़े-बड़े sets लगे होंगे। बड़े-बड़े sets. संजय लीला बंसाली type भाई production. All the way. Yeah. ठीक है। For sure. तो ये एक जो grand किस्म की आपकी energy है, जिसमें आप जो है चीजों को express करते हुए बड़े words use करती है, like mega, big, super. ये आप मेरे बारे में भी कहती हैं। नहीं, but she has the जो उनका मर्करी है वो इस तरीके का है, प्लस ही इज हाईली इमेजिनेटिव। आपके इमेजिनेशन जो है जो विजुलाइज करती है आप चीजें। व्हाई डिड यू रोल योर आईज? आई एम ट्राइंग टू बी इमेजिनेटिव, सो यू कैन इमेजिन थिंग्स वेरी वेल। और आप स्टोरी जैसे आपको कोई बात बता रहे तो पीछे आपके विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं आपको, कि अगर मैं कहूंगी एक, लेट्स सपोज राइट नाउ इफ आई से अ बॉय, घर में जाना है ना, राइट सो या आई डू विजुलाइज। यू कुड हैव सेड योर सन आल्सो बाय द वे, एंड आई डिड नॉट, इज अ बेबी, यस, अ टॉडलर, बेबी बॉय। हाँ, बेबी बॉय। सी, सो बॉय की डेफिनेशन में लोग डिफरेंट तरीके की एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैंने सिर्फ आपको बॉय किया, बट व्हाट केम टू यू इज इमेजिनेटिव, इट्स नॉट व्हाट आई सेड, राइट? एक और मजे की चीज है, आपको ट्रैवलिंग, आप अनकॉमन या अनपॉपुलर जगहों पे ट्रैवल करने का आपको बड़ा इत्तेफाक हुआ होगा, या और बड़ा कोई एक्सीडेंटली आप उन जगहों पे पहुंच भी जाती हैं, थोड़ा सा बताएं। I mean, accidentally तो नहीं पहुंचती, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट पहुंचती हूं। I mean, I like traveling, so like, yeah. you know, I've traveled to destinations which are not very common. Like, for example? Like, going to see the Northern Lights or, you know, I've been on Mount Everest. You've been on Mount Everest? Yeah, jo base camp hai, from Nepal, you get down in a parachute, helicopters niche, you stay there for an hour, it's all snow. Lovely. I mean, I didn't trek. But I mean, things like that. You landed on the helicopter there. Yeah. Yes. Cool. But it is unconventional. बहुत कम लोग उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपकी traveling का इत्तेफाक होगा। अच्छा, और बताएं फिर, ये तो बड़े मजे मजे की आप बताएं। इसमें अलग segment होगा। इसमें अलग segment होगा, हाँ ठीक है। Okay. आपका जो anger का expression है वो बड़ा कोई calculated होता है, plus आपकी जो अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप फैक्ट्स लेकर आ जाती हैं बीच में, लाइक जैसे आप एकदम से इमोशनली कल ये किया था, परसों ये किया था, बिल्कुल बिल्कुल इनके फैक्ट्स होते हैं। गुस्सा अचानक नहीं आता, लेकिन गुस्सा आता बिकॉज उस शख्स ने या उस वो सिचुएशन में ये चीजें हो चुकी, सो देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, सो देन व्हेन आई से यू नो यू हैव डन दिस 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 दिस, तो उसकी पूरी रिकॉर्ड हिस्ट्री, लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही होती होगी पीछे के, अनफॉरगिवेबल, यस यस अनफॉरगिवेबल, यस यस यस, डोंट मेस विद शर्मिला, यस यस यस, एंड शी डोंट इवन ट्राई। क्यूरियोसिटी भी आप में माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, कि अगर किसी चीज को आपने जानना है तो आप उसकी डेप्थ में जाके उसकी सारी इंफॉर्मेशन, इनक्विजिटिव, इवन ऑन अ टॉपिक, इफ आई वांट टू नो अबाउट अ टॉपिक देन आई विल गो डीप इनटू इट, रिसर्च, क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू रियली लाइक रिसर्च
dived into? I recently researched on Hazrat Ali رضي الله تعالى عنه. Acha. Yeah, so I went to Karbala recently. From there, wo maine history puri phir padhi. But there's a series of 8 editions on Hazrat Ali رضي الله تعالى عنه. कि क्या हुआ वो कैसे एट एडिशंस फिर आपने पढ़े yeah, अभी पूरी नहीं पढ़ी 4 पढ़ ली हैं वेरी गुड सो एक और चीज इनके बारे में ये भी कांस्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करती रहती है लाइक इनको अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का बहुत शौक है और उसके अंदर शायद कुछ लोग जो कि जिनको ये आउटग्रो कर देती हैं उनको शायद ये समझ नहीं आती और इनसे काफी सारे लोग जो हैं बाउंड्रीज या सो आई व्हाट आई डू इज दैट Now, in the last 3-4 years, what I try to do is, पहले मुझे बड़े मुझे गुस्सा बहुत आता था. So then I thought कि क्या चीज़ें जो मुझे trigger करती हैं. तो फिर मैंने उनको काटना शुरू कर दिया कि चीज़ें मुझे trigger करती हैं. So again, that was setting boundaries. Yeah. फलां शख्स मुझे trigger करता है तो मैंने उससे मिलना बंद कर दिया. Yes. या फलां चीज़ मुझे trigger करती है मुझे गुस्सा दिलाती है तो मैंने वो react करना. Zabardast. I will not react to that kind of message or that kind of tone. So, but that is for my own mental health, you know. Zabardast. Again, self-care. Okay. Yes, and also you have a lot of energy जिसमें detachment आती है. Like आपको जैसे कोई clingy हो रहा है या आपको कोई control करने की या box में डालने की कोशिश कर रहा है. It gets really. I enjoy my independence. I'm fiercely independent. Yes. My husband is hearing this. देखेंगे ना शो अच्छा he's just come to surprise me कितना भाई अभी इतनी जल्दी नहीं यार अभी तो I am like you know I like being yes. you know I like making my own choices in life yeah. and जैसे हमारे घर में छोटी सी चीज है my husband is a meat eater I am a chicken eater so हमारे घर में हम दो लोग हैं ढाई लोग and a small baby So, उनके लिए अलग चिकन बिरयानी मटन बनती है मेरे लिए चिकन बनती है ऐसा नहीं हो कभी आपने थोड़ा सा मटन ट्राई कर लिया कर लेती हूँ हाँ वो भी खा लेते हैं चिकन खा लेते हैं मैं भी खा लेती हूँ लेकिन ये स्मॉल थिंग्स बट ही हैज एंड अगेन ही हिमसेल्फ इज वेरी फियर्सली इंडिपेंडेंट सो ही हैज हिज ओन माइंडसेट ही इज वेरी ओपिनियनेटेड सो एम आई आल्सो पंजाबी बिकॉज़ ही लव्स मटन ओ यस ही इज अ थरोब्रेड पंजाबी सो यू हैव अ लॉट ऑफ गेट अलोंग विद पंजाबीज रियली वेल ना Of course. I'm living with one. Yeah, of course. So we must assume that. Yes. Okay. So you have a lot of lioness energy also. Ki jisko apni lioness energy. Yes, she has a lot of lioness energy where she protects her jo inki apni territory hai usko bhi bahut acche tarike se guard territorial hai bahut. Pretty much. जो boundaries की जो ये बात करी है तो इसमें इनकी family भी आ जाती है कि family को लेके भी she has a lot of boundaries. Yeah. So people that I love and I care about, I'm very fiercely protective about them. एक और चीज मुझे आपके chart में नजर आती है वो एक थोड़ा intuition आपका बहुत strong है. हाँ है. मतलब क्या ख्वाब चल जाता है पहले हाँ. तो क्या premonitions होते हैं ख्वाब आते हैं क्या होता है? I just get that feeling. Yes. Yeah. From people, for events, from what? Situations, from everything. And I tell my husband also. I told my husband 5 months before my father was passing away. I said he's going. He is not going to cross this year, and you know things like that. And I tell my husband. I said, "Ye banda tumhare saath ye karega." He said, "Nahi, no way." He's so this. And that happens. Maybe after a year or so, but it happens. Yeah, so she's highly intuitive. मुझे बहुत पहले से पता चल जाता. I don't know, probably because the kind of situations I have been in life, I've dealt with so many people. There's a lot of experience there. Lot of experience behind it. Not that I am spiritual or something, but I think I'm. मुझे एक बेहतर पहचान हो गई लोग मुझे समझ आ जाता है कि I don't get those vibes. If I get a good vibe, I know this person is good. If I get a bad, I know मुझे पहले से पता चल जाता है. हम दोनों से पॉजिटिव वाइब आई है. नहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा. That's why she seems to be having a good time, भाई. Okay. So yes, that's pretty much it. आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आगे भी एक्सपेक्टेड हैं. And I think कि you're a constant in on a constant journey of evolving and figuring out yourself also. As it should be. आपको कोई सवाल पूछना है सुमेरा से? मिनिस्टर बन रही हैं वो इनके सितारों में क्या है अगले 6-7 महीनों में? अगर बनना चाहेंगी तो बन सकती हैं. शी हैज गॉट ऑल द पावर टू बिकम अ मिनिस्टर. अगर बनना चाहती हैं तो बन जाएंगी. बिल्कुल बिकॉज़ इनकी विल बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये विल कर लिया इन्होंने शी विल अचीव एनीथिंग. देयर आर थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू नाउ. यस लाइक व्हाट? नॉट बिकम अ मिनिस्टर? या यू डोंट बिकम नो आई हैव बीन देयर फॉर 10 इयर्स. आई एम नाउ आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माय सन.
I want to spend more time enjoying... Away from politics? No, not away from politics. That is something that I do and I enjoy doing it and I want to do that. But वो होता है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले मैं बहुत काम करती थी वजारत चला रही हूँ फलां कर रही हूँ भाग रही हूँ उधर से उधर अब आई हैव स्लोड डाउन आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई पर्सनल लाइफ टू माई फैमिली ट्रैवल डू दोज थिंग्स दैट्स लवली बहुत अच्छी बात है ये लाइफ इज टू शॉर्ट लाइफ इज इंडीड टू शॉर्ट सो इज दिस सेगमेंट थैंक यू सो मच सुमैरा फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर वंडरफुल इनसाइट फातिनो साथ वक्त आ जाता है एक और ब्रेक का ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं और शर्मिला वापस अपने उन शो में जाएंगे और मजीद सेगमेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे तब तक शर्मिला इज हैविंग अ फन विद दिस या वी कैन इट्स अ क्रिस्टल बॉल वेल इट्स अ प्लास्टिक वन बट या वी विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक बट आई एम इमेजिनिंग इट इट्स अ क्रिस्टल यू कैन टेक इट होम Welcome back, ladies and gentlemen. Sharmila, आपके साथ हम एक स्पेशल सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज हम पहली बार खेलेंगे उसमें होगा ये कि वहाँ स्क्रीन पे कुछ पॉलिटिशियंस की ऑडियो चलेगी और आपने गेस करना है वो कौन है And I'm so bad at it. चलें, देखते हैं अभी हमें पता अच्छा ये काउंट डाउन शुरू करना 5, 4, 3, 2, 1 सोचने देना अच्छा चलो पूरी ऑडियो से काउंट डाउन शुरू करेंगे ओके जी पहली ऑडियो चलाएं भाई मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं ये लेटर लिखे हैं सबको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध गवर्नर ऑफ सिंध ये कौन लेगा जो मेयर था कराची का मेयर कराची था एमक्यूएम का हाँ हाँ क्या नाम था उसका वसीम अख्तर यार आपने नहीं बोलना भाई वसीम भाई ठीक है ओके सी आई मेड इट एक तो हो गया कल गुजरात में हमारे घर में एक चौधरी शुजात यू वेरी गुड एट दिस आगे चलो रियली मुद्दई लाख पूरा चाहे कुछ नहीं होता वही होता है कायम अली शाह साहब होता है जो मंजूर है कायम अली शाह साहब अरे वाह यार 3 out of 3 वेयर इज माय गिफ्ट हैम्पर आपके लिए हम बना ही नहीं सके वो गिफ्ट हैम्पर जो आपके साथ जा सके शर्मिला एक्टिंग भी करवा ली बट आप कुछ भी और लेके जा सकती हैं यहाँ से वो हमारे मॉनिटर्स हैं काफी सारे बैंड पूरा स्पीकर्स ले जाऊंगी मेरे काम आएंगे कैमरा ये जिप भी अगर आप चाहें ओके ठीक है यू कैन टेक इट होम ओके अच्छा जी हमारा अगला सेगमेंट है इट्स कॉल्ड डेंजर डेक डेंजर डेक या देयर इज नथिंग डेंजरस अबाउट इट इट्स जस्ट अ रैपिड फायर दिस इज सो बोरिंग देन हां रैपिड फायर नथिंग डेंजरस अबाउट इट रैपिड फायर अच्छा रैपिड फायर उसका नाम रखा है आपने डेंजर डेक इसका नाम हमने डेंजर डेक रख लिया ये आपके डायरेक्टर ने रखा होगा बिकॉज रैपिड फायर वाज टेकन अच्छा ओके ठीक है अगर ये पॉलिटिशियंस स्टैंड अप कॉमिक्स होते या स्टैंड अप कॉमेडियंस होते तो आपको क्या लगता है कि हु वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन यार आप मेरे सबसे ताल्लुकात खराब कर रहे हैं क्यों भाई इट्स अ जॉब पीपल एंजॉय स्टैंड अप कॉमेडियंस शेख रशीद बिलावल भुट्टो जरदारी हाजी एहसानुद्दीन या शैला रजा दोबारा नाम ले शेख रशीद भाई तालियां शेख रशीद मुझे भी लगता है ही वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर किस पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग टू यू पीपीपी ना भी हो कोई भी ओवरऑल पॉलिटिशियन दैट यू थिंक हैज द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा मुझे खुद बताना है हाँ आपको बताना है सो आई मुझे उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन भी तो होनी है ना मेरी अच्छा बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर कौन है कोई एक पॉलिटिशियन तो होगा कादर पटेल ओके ठीक है इन सेलिब्रिटीज में से किसी को अगर आपको अपनी कैबिनेट में लेना हो तो आप किसको लेंगे आपके ऑप्शंस हैं फैसल कुरैशी अदनान सिद्दीकी एजाज असलम या इमरान अशरफ इमरान भाई मुबारक हो आपको मुबारक आप काबीना का हिस्सा हैं क्या उनको क्या पोर्टफोलियो क्या मिलेगा कल्चर ही मिलेगा ठीक है इन सियासी सेलेब्स का नाम सुनते ही फर्स्ट थॉट क्या आती है जहन में पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज हैं
मरियम नवाज साहबा खूबसूरत या पहले भी यही लफ्ज कह चुकी हैं एग्जैक्टली उनके बारे में तो वो है खूबसूरत आपका स्टेटमेंट नहीं चेंज हुआ मरियम नवाज अच्छा मैं कुछ और कह देती हूँ हाँ स्टाइलिश स्टाइल स्टाइलिश स्टाइलिश ठीक है शेरी रहमान साहबा पावरफुल पावरफुल फहमीदा मिर्जा साहबा एंग्री एंग्री और राहिला दुरानी साहबा बोरिंग बोरिंग ठीक है किस तरह के लोगों को फौरन पहचान जाती हैं आप पता लग जाता है आपको कि यार ये इस तरह का बंदा ये बंदी टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों को फौरन पहचान जाती हैं ठीक है हेट या नेगेटिव कमेंट्स या ट्रोलिंग को कैसे डील करती हैं आई डोंट रीड देम एनीमोर यू डोंट रीड इट डजंट बदर मी एट ऑल बिल्कुल सही है अगर आप टाइम ट्रैवलर होती हैं तो किस हिस्टोरिकल इवेंट में जाना आप पसंद करती हैं वुड हैव वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट और इंसिडेंट हिस्टोरिकल इवेंट या आई वुड हैव लाइक टू बी इन करबला हां इन करबला इन करबला ओके पॉलिटिक्स समझने के लिए किन तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है पॉलिटिशियंस को या एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस को तीन चीज़ों का ख्याल बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है तीन बता दें चलें तीन जो हैं मेहनत बाउंड्रीज अपनी बाउंड्रीज इफ़ यू आर अ वुमन यू नीड टू नो योर बाउंड्रीज यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर अरे वाह जबरदस्त जवाब सारे वन इट गेट्स वेरी बोरिंग नहीं नहीं ए, अच्छा एक आखिरी सवाल चले आपसे पूछ रहे तो मजे का सवाल है ये अगर आपकी बायोपिक बनती आप किसको कास्ट करती आपके रोल में करीना कपूर करीना कपूर तालियां भाई ये कितने खुश हुए खुश हुए हैं आप करीना क्योंकि आप हमारा शो देखती हैं बड़े शौक से शर्मिला जी जब भी अपनी बायोपिक बनाएंगी शी वुड लाइक टू रीच आउट टू यू तो मैं कोऑर्डिनेट करूंगा वो सारा कुछ बीच में आपको कॉल करूंगा आप करेंगे आप जाएंगे मेरा फोन उठा लिएगा तालियां भाई शर्मिला जी के लिए बहुत अच्छा सेगमेंट आपने नॉट बोरिंग एट ऑल अच्छा दिस इज आवर लास्ट सेगमेंट इट्स कॉल्ड अंदर की बात इसमें होता यह है कि हम आपसे बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल पूछते हैं टू नो मोर अबाउट यू फॉर एग्जाम्पल बिरयानी विद आलू और विदाउट विद आलू ऑलवेज विद आलू बिरयानी विदाउट आलू क्या होती है ठीक है लास्ट आपको किस बात पर गुस्सा आया आज मेरी चाय सही नहीं बनी थी ठीक है अच्छा खाने में सबसे ज्यादा क्या बनाना पसंद है आपको बनाना you like to cook, yeah? Sometimes. Yeah, क्या पसंद है आपको to cook? I know you don't like banana, that I know. Hi, how did you know that? I know stuff about you. मैंने एक ही जगह बोला है उससे. Yeah, but anyway. Okay. And I also know you had to eat a lot of bananas at one point. Oh yeah, I was only living on bananas. You were, yes. Ah, so you've done your research. Okay. जो ब्रेन मसाला ठीक है लास्ट किस एंकर से गॉसिप की गॉसिप हाँ मैसेज पे या फोन पे किसी से भी नहीं एक्चुअली नहीं कि एंकर्स के साथ आपका वो नहीं है नहीं आई लॉट ऑफ एंकर्स हैव बीन डूइंग शोज विद देम फॉर गुड 11 इयर्स नाउ सो या गॉसिप तो नहीं करी वो एंकर से मैं बहुत घबराती हूँ अच्छा कभी भी कोई चीज बोलो तो एयर ना कर देना अच्छा जैसे आपने मे बी फरिया अदरीस ओके फरिया अदरीस जैसे आपने कहा कि एक्टिंग अभी भी शायद अगर आपको मौका मिले ड्रामों में तो आप करेंगी नहीं नहीं अब नहीं करेंगी क्यों अब इतना टाइम नहीं है अच्छा और उस टाइम पे अगर मूवीज मिलती हैं आपको तो मूवीज करती हैं ड्रामे ड्रामा मूवीज बिल्कुल नो गो टू मच वर्क Too much time commitment. Do you see yourself as somebody who would be like singing and dancing and having a lot of fun? You do dance of at course. Weddings and I love singing. I love dancing with my husband. I love music, all kinds of music. I love ghazals. ठीक है. आखिरी बार आपने अपने घर पे किसको दावत पे बुलाया? That was last Tuesday. Last Tuesday? Hmm. You won't tell us who it was? My husband's friends and our couples. Okay. आपने आखिरी गिफ्ट अपने हस्बैंड को क्या दिया सिगार्स ठीक है आपके हस्बैंड ने आखिरी गिफ्ट आपको क्या दिया ये नाइस ब्रेसलेट ठीक है ऑन माय बर्थडे आपका डेली का नो मेकअप लुक किस एक चीज के बगैर पूरा नहीं होता
डेली का लाइक मेकअप चैपस्टिक नो मेकअप लुक चैपस्टिक टिंटेड चैपस्टिक या ठीक है लास्ट मैसेज जो आपने किसी पॉलिटिशियन को भेजा हो हाँ भेजा है किसको भेजा है हाँ सलीम भाई को सलीम मांडवी वाला सलीम मांडवी वाला को भेजा ठीक है पूछ सकते हैं क्या हाँ भी हम एक वो लड़काना जा रहे हैं तो उस हवाले से कोऑर्डिनेशन ठीक है आखिरी बुक आपने क्या पढ़ी हजरत अली वाली जो आपने वॉल्यूम बताया यस आई वाज रीडिंग दैट बुक ठीक है तालियां भाई नाउ वी नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट यू इससे पहले कि हम इजाजत लें एंड सिंस आपने बहुत बार इस बात का जिक्र किया दैट यू कंसीडर आसिफ अली जरदारी साहब एज योर बॉस माय मेंटर माय बॉस योर मेंटर योर बॉस एंड यू नो पॉप कल्चर में भी आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा मुकाम है पीपल आर वेरी इंट्रीग्ड बाय हिज लाइफ एंड हिज वे ऑफ डीलिंग विद things so what can you tell us about Asif Ali Zardari sahab apart from his politics like what does he really like to indulge in ya kya cheez wo bahut pasand karte hain in his free time where does he like to travel kya unke bare mein aap hame bata sakti hain there's a lot of intrigue surrounding him he's a very very open person matlab koi inki aisi koi khaas cheez nahi jo dhaki chupi hai kisi ko pata nahi hai he travels a lot to dubai he has his home there so that's why he travels most of the time but जरदारी साहब इज समवन है कि अगर वो ना होते तो मैं सियासत में ना होती यू नो ही इज द वन हु जस्ट पैराशूटेड मी इनटू पॉलिटिक्स ही थ्रू यू इन पॉलिटिक्स ही थ्रू मी इन पॉलिटिक्स एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उनको कभी ड्रामे भेजे आपने नहीं उनको नहीं व्हाट्सएप पे कभी किया सर ये वाला देखिए बट ही इज वन थिंग दैट पीपल शुड नो अबाउट हिम व्हिच आई डोंट नो पीपल नो उनको हर चीज के बारे में पता होता है अच्छा He knows everything about everyone, even what you're doing in your personal life. Okay. So, I mean, I don't know about people who are not in his party, but I'm sure he does. But he knows everybody. कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, को किधर गया. He knows every. He is very meticulous. So, in all likelihood, then he would probably be watching this show. You most probably watch it. So, yes. Zardari sahab, if you're watching this show, big fan. I really want to meet you. Yeah. I'm going to tell Sharmila कि वो मुझे आपसे मिलवा दें. तो अगर आप मुझसे मिल लें थोड़ी देर के लिए तो. अभी आप fan हैं. फिर आप उनकी गर्विदा हो जाएंगे. अच्छा. तो यानी आप मुझे मिलवा रही हैं. He's got that aura. आप मुझे मिलवा रही हैं Zardari साहब. मैं आपको मिलवा दूँगी. पक्की बात है. पक्की बात. On camera आपने वादा कर दिया. दान हो गया भाई तालियां. मैं तो मिल रहा हूँ जरदारी साहब से फिर हम कोशिश करेंगे कि टॉक टॉक शो पे जरदारी साहब को भी लेके आए बिकॉज़ इट्स अ फन शो दैट वुड बी फन है ना पॉलिटिक्स से हटके हम बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस आए यू नो वी एंजॉय द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स अ बिट जाने से पहले शर्मिला क्योंकि आपके इतने सारे यहाँ पे फैंस मौजूद हैं तो एक सवाल अगर हम और ले लें फिर आप लोगों से इजाजत लेते हैं जी भाई कौन सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछेंगे ओके आ जाए माइक है यहाँ पे आपका जी भाई क्या नाम है आपका अस्सलाम वालेकुम नाम नवीद जाफरी मेरा नाम है नवीद भाई कैसे हैं आप जी मैं ठीक ठाक शुक्रिया नवीद भाई बड़ी हेयरकट है आपकी जी बिल्कुल आपको देख के ही करवा कर आए हैं क्या पता चला कि आप आ रहे हैं तो लंबे बाल हैं जी बाल कटवा के आ गए वो आप मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगा बिल्कुल सुना किसको ओह माय गॉड शर्मिला जी को डेडिकेट करना चाहते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल ओह दैट्स सो क्यूट वाह 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 भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो सो गुड सभी मिटाते जाओ चलो रसमन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो तो निभाते जाओ
फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। बहुत अच्छा जबरदस्त है। आप प्रोफेशनली गाते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, तो वेल डन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बल्कि आपका तो हम नंबर भी लेंगे भाई, आपने बहुत अच्छा गाया। इसको एक्सप्रेस ब्रेक तो दें इसको। हाँ। तो भाई कमाल, दोबारा भाई बहुत। शर्मिला जी, हमने सुना आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, दो लाइनें हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। दो लाइनें कुछ थोड़ा सा, मैं बल्कि यहीं बैठ जाता हूँ। कौन सा गाना जो आपका जी चाहे? अच्छा, एक लाइन सुना देती हूँ। हाँ, एक लाइन सुना। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। पुराना सुना देंगे। सोना न चांदी न कोई मैं जाने तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। थैंक यू, तालियां भाई। प्लीज शर्मिला, आई लाइक यू टू ज्वाइन मी हियर। थैंक यू भाई, ये एक ऐसी शानदार किस्म की पॉलिटिशियन है जो कि जबरदस्त एक्टिंग करती हैं, जबरदस्त गाती हैं भाई, तालियां यार। शर्मिला जी, अगर देखा जाए तो एक ही चीज रह गई है, अब डांस ही रह गया थोड़ा सा। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ करें, लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन शर्मिला, यू केम टू माय शो, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर, मुझे बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो घर पे ये देख रहे होंगे शो, उनको भी ये एहसास हुआ होगा कि पॉलिटिशियन सिर्फ ऐसे ही हर वक्त उनसे दुखी और इस तरह की सब किस्म की बातें ना करें, दे आर ऑल्सो हैप्पी पीपल, दे लाइक टू हैव अ गुड टाइम। तो शर्मिला के लिए तालियां। जाते जाते कोई आप पैगाम अगर देना चाहें, ऑल द कैमराज आर योर्स, मैं चाहूंगा कि आप कुछ जरूर। यहाँ क्योंकि इतने नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ देम, एंड से एक चीज कहना चाहूंगी कि अच्छा बुरा वक्त आता है, कौमों पे भी आता है, मुल्क पे भी आता है, अभी बड़े मुश्किल हालात से हम गुजार रहे हैं, लेकिन ये वक्त है जब आपने अपने मुल्क को कुछ दे जाना है, क्योंकि हमारे मुल्क से बहुत सारे लोग मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो एक बहुत ही सीरियस संजीदा चैलेंजिंग मामला है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ये मुल्क बनाया है, आप लोगों ने इसे संभालना है। आपने संभाला, अच्छे से संभालिएगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। जाते जाते अगर हम पीपीपी का गाना थोड़ा सा बजा दें, मैं ये तो नहीं कहूंगा आप मुझे स्टेप्स करके दिखाएं, बट थोड़ा सा वी कैन डू सम मूव्स ऑन दैट, राइट? चलो भाई बजाओ। इज दिस वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग? इज दिस वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट I love this song.